तो दोस्तों ये कहानी एक बूढ़े अंकल की जो अपना रिक्शा अपने पांव की मदद से यानी पांव वाला रिक्शा चलाते थे और काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसा कमा पाते थे। तभी उनके पास एक सवारी आ जाती है और उसे छोड़ भी देते हैं। और जो मैंने आपसे बोला वैसा ही होता, यानी अंकल ने बहुत ज्यादा मेहनत करी हुई होती है लेकिन उसको बदले में बहुत कम पैसे दिए जाते है क्योंकि उसने मेहनत भी बहुत ज्यादा की होती है, लेकिन इतनी मेहनत करने का इतने कम पैसे काफी नहीं होते। तभी एक ऑटो वाला वहां पे आता है और उस ऑटो वाले को ना ही कुछ ज्यादा मेहनत करनी रही थी और उस पैसे ज्यादा कमा भी रहा था उस बूढ़े आदमी से, जिसका तो ऑटो वाला उस रिक्शे वाले को कहने लगता है कि देख रहे हो मैं कितने पैसे कमाता हूं और तुम कितने कम कमाते हो। फिर भी उसके यहाँ पे एक और कस्टमर आ जाता है और वो ऑटो लेके चला जाता है। तभी रिक्शा वाले अंकल के पास एक फॉरेनर लड़की आती है और उससे कहती है कि मुझे ताजमहल जाना है, क्या तुम चलोगे। तभी वो गरीब रिक्शा वाला ऊपर देखता है कि ताजमहल तो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे यानी घाटी चढ़ के जाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसे बिठा लेते क्योंकि उसके पेट का सवाल होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि ऑटो वाला कितनी जल्दी जल्दी कस्टमर को छोड़ के आ रहा है और जा भी रहा है, यानी कि जितनी देर में वो आदमी थोड़ा जा पाता है उतनी देर में वो बहुत बार ऑटो वाला होकर आ जाता है। लेकिन गरीब रिक्शे वाले अंकल ने अभी भी हार कहां मानी थी, वो तो अभी अपना रिक्शा चलाते जा रहे होते। लेकिन इस बार उन दादाजी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होती क्योंकि वो फॉरेनर लड़की बहुत ज्यादा भारी होती है। लेकिन जब वो जा रहे होते तभी उनके रास्ते में एक पत्थर आ जाता है और उनकी गाड़ी बस नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन वो अंकल जी बहुत ज्यादा अपनी ताकत का इस्तेमाल कर देते है और उस पत्थर को ये पार कर देते है अपनी ताकत की मदद से। और अब उस कस्टमर का उतरने का समय आ चुका होता है क्योंकि वहाँ पर ताजमहल आ चुका होता है। इसके बाद दादाजी बहुत ज्यादा खुश हो जाते क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत करी होती है, लेकिन उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते जितनी उन्होंने मेहनत करी हुई होती है। वो फॉरेनर लड़की उनको थोड़े पैसे देती है और उन्हें पैसों देने का दो अपने ताजमहल घूमने चली जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश भी होती है। लेकिन वहाँ पे ऑटो वाला तभी आ जाता है और उसको कस्टमर को छोड़ देता है और उस अंकल जी से बहुत ज्यादा पैसे भी कमा लेता है। लेकिन फिर भी अंकल जी हार नहीं मानते और उन पैसों को स्वीकार कर लेते, यानी अंकल जी को उन पैसों में बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है। और अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो कमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा तो मैं समझ जाऊंगा फिर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। और इस कहानी से हमने ये सीखा कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए।